यूएसए में फ्री में करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या आपको यूएसए में की स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो चाहिए, और आपने कहा हाय मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आइए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप लेने। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीए में यूएसए एक ऐसा कोर्स है जिसे 8 से 10 महीने के अंदर आप सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है। अब यहाँ पर खर्चा यूजुअली 1.5 लाख से 1.7 लाख के आसपास का लगता है, बट आप इस कॉस्ट को रिड्यूस करके 40,000 तक लेकर के आ सकते हो। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है, ताकि आपको स्कॉलरशिप यूएससीएमए की लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और डिस्क्लेमर ये है कि ये एक स्कॉलरशिप है, ये डिस्काउंट ऑफर नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आप ना करें। क्यों ना करें भाई? ऐसा होता है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, जो हर साल आईएमए अपने बजट के अंदर डिसाइड करता है। अब ये कितनी सीट्स होती हैं पब्लिकली तो ये लोग अनाउंस नहीं करते, बट द आइडिया ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज़ टू हेल्प एंड टू असिस्ट इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को, कि वही वो स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकें और एक प्रोफेशनल बन सकें। तो अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए ना जाएं, ताकि सीट्स रह जाएं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सच में इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं। और ये मैसेज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्कॉलरशिप ले करके एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं, ठीक है? ऐसा ना करिए। सीट्स आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एम्प्टी छोड़ दें स्कॉलरशिप की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सीएमए यूएसए की फ़ीस को देने के लिए। अब यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जब भी अभी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आखिरी के 4 या 5 महीने में हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि आईएमए का एक सिंपल रूल है कि जब आप आईएमए यानी कि सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम शुरू नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर आप आखिरी सेमेस्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप अपने सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम देंगे। इस सिनेरियो में बाद में जा कर के या तो वो आपकी डिग्री ही कैंसिल कर देंगे, या तो फिर वो आपसे एग्जामिनेशन फीस जो आपने नहीं पे करी स्कॉलरशिप के कारण आपसे वापस मांग सकते हैं। एंड देयरफॉर आई वुड नॉट रिकमेंड अप्लाइंग फॉर द आईएमए स्कॉलरशिप इन योर लास्ट सेमेस्टर। नाउ विद दैट नोट आगे बढ़ते हैं। हम ये तो जान लें कि अगर सब कुछ ठीक है तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी फीस है तकरीबन 1 लाख की हमारी सेविंग हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, 1 लाख का खर्चा बच जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट रूट से रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर आप 2 साल की मेम्बरशिप के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, पर जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 3 साल की आईएमए की मेंबरशिप मिलती है, यानी कि 3 साल के लिए आपको आईएमए मेंबरशिप के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। एंड फाइनली तीसरी बात है, यहाँ पर आपको 1 साल का ग्लेम का पोर्टल जो है टेस्ट पोर्टल उसका एक्सेस मिलता है, जहाँ पर आपको ई बुक्स का भी एक्सेस मिल जाता है, यानी कि पढ़ने के लिए भी सारा इंतज़ाम आईएमए जो है आपको यहाँ पर करके दे देता है। विद दैट नोट, अगर आपकी इस वीडियो को देख करके 1 लाख रुपए तक की सेविंग हो रही है मेरी वजह से, तो एक वीडियो पे लाइक तो बनता है, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की फ़ायदे की बात आप लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पर 4 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 है, आपको अपना IMA ID क्रिएट करना है, ठीक है? तो अब ये जो IMA स्टूडेंट ID है, इसको क्रिएट करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है IMANET.org। अब जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं आपको सिंपली यहाँ पर CMA USA के अंदर एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दें, बट जब फीस पे करने की बारी आए तुरंत बाहर निकल जाएँ वहाँ से, यानी कि फ़ीस पे ना करें ना। जैसे ही आप ये करते हैं तो आप अब IMA के अंदर वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं, राइट? जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल होती है, राइट? वो प्रोफाइल में जाकर के आप अपना IMA का ID जो है बड़े आराम से देख सकते हैं। अब ये ID हमें चाहिए क्यों? चाहिए इसलिए क्योंकि स्टेप नंबर 2 में आपको एक ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होता है। अब ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं ना, इसके अंदर आपको IMA स्टूडेंट ID डालना होता है।
है ना। और इसके लिए स्टेप नंबर वन के अंदर हम IME का ID क्रिएट करते हैं बिना किसी फीस को पे करें। आइए देखते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। चलिए जी, तो जो मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक के थ्रू आप जाओगे तो डायरेक्टली ये पेज खुल जाएगा जिसमें डाउनलोड द नॉमिनेशन फॉर्म को आप क्लिक कर लें। इस फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया से अगर आप हैं तो आपको इस ID के ऊपर ईमेल करना है इसी फॉर्म को फिलअप करके। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है। आई नो यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन्होंने लिख रखा है, बट नहीं, आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखना, आपके कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज का एड्रेस, यहाँ पर कॉलेज का वेबसाइट, कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर है, है ना, एक है, दो है, तीन है ना, मैक्सिमम पांच आ सकते हैं, तो वो पांच यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो डाल दें, अगर आप अकेले हैं तो सिर्फ यहाँ पर आप लिख दें वन, है ना। इसके अलावा जिस डेट को आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो आ गया। अब यहाँ पे faculty/professor नेम लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैडम का नाम लिखेंगे, उनकी डेजिग्नेशन बकायदा लिखेंगे। प्रिंसिपल आप लोग बार बार पूछते हैं सर HOD चलेगा क्या, क्लियरली बता दूँ HOD नहीं चलेगा, प्रिंसिपल ही आपको यहाँ लिखना है अगर आप इंडिया से हैं तो। यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सर या मैडम का ईमेल नहीं लिखना है, आपकी वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे जो ईमेल ID दे रखा है वो ईमेल आपको यहाँ पर लिखनी है, और आपको ऑफिस का, कॉलेज का जो फोन नंबर है वही फोन नंबर यहाँ पर लिखना है, वो फोन नंबर वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको आपकी डिटेल डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बैचलर्स है तो बैचलर्स को क्लिक कर दें, मास्टर्स है तो मास्टर्स को क्लिक कर दें, है ना, दोनों को नहीं करना है, जो भी आप कर रहे हैं वो। फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पर अगर आप BCom कर रहे हैं तो आप लिख दें कॉमर्स, अगर आप यू नो BBA, MBA, MBS कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिख दें मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो रहा है July 2025 अगर खत्म, तो ये July 2025 लिख दिया हमने। जिस ईमेल से आपने अपना IME का यूजर ID पासवर्ड बनाया था, आपका यूजर ID बेसिकली आपका ईमेल ID रहता है, तो वो ईमेल ID वो वही वाला, कोई दूसरा ईमेल ID नहीं लिखना, वो वाला ईमेल ID यहाँ लिखेंगे। और आपका जो कस्टमर ID है, राइट, जो आपको स्टेप नंबर वन में बताया था, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो आप IME के अंदर जा सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं ना। तो ये दोबारा पेज दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये साइन इन का लिखा हुआ है, ये साइन इन में आप जाएंगे, है ना, तो इसमें आप एग्जिस्टिंग यूजर्स में यूजर ID पासवर्ड अपना टाइप करके जब साइन इन करेंगे यहाँ पर आपके प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं और वहां पर आपको आपका IME का जो IME कस्टमर ID मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब आपको एक कॉलेज का लेटर हेड चाहिए। देखिए, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कंट्रीज से हैं तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अब इस लेटर के अंदर आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट को एज इट इज़ चिपकाना है। बस वहाँ पर यू नो स्टूडेंट नेम की बजाय अपना नाम लिख दें, मतलब उतना तो कस्टमाइज आई बिलीव आप लोग कर लेंगे। नाउ कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये लेटर हेड आप बोलते हो, ये लेटर हेड होता क्या है? देखिए, लेटर हेड यूजुअली हर कॉलेज का ना एक फॉर्मेट बना होता है, एक A4 शीट के अंदर वो लोग अपना लोगो टाइप करके रखते हैं, एफिलिएशन ID टाइप करके रखते हैं, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिख कर रखते हैं, फ़ोन नंबर लिख करके रखते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें ऑलरेडी फॉर्मेट में उन्होंने प्रिंट करके अपने पास रखी होती हैं। हर कॉलेज का ऐसा फॉर्मेट होता है। अच्छा, अगर आपके कॉलेज का ऐसा फॉर्मेट नहीं है, वैसे तो इट इज़ हाईली अनलाइकली, बट अगर नहीं है तो उस लेटर में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसकी लिस्ट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपका कॉलेज का लेटर हेड, ऑफिशियल लेटर हेड ऐसा फॉर्मेट बन रखा है बट उसमें इन लिस्ट में से किसी आइटम का मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट उन्होंने नहीं लिख रखी है, तो आपको वो वेबसाइट वहाँ पर उस लेटर हेड के अंदर अलग से लिखनी पड़ेगी। एक बात और, यहाँ पर जो साइन है वो प्रिंसिपल सर का लेना है। सर HOD का साइन लेंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि फॉर्म पर भी HOD लिखा होता है, तो नहीं चलेगा, HOD का साइन नहीं चलेगा। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, तो आपको साइन आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से लेना है, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से नहीं लेना है, कॉलेज के प्रिंसिपल से लेना है। ठीक है जी, आई होप दैट्स क्लियर। सर जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एप्लीकेशन तो सर हमने कर दी, अब हमको क्या करना है। देखें, ऐसा होता है कि अगर कुछ मिसिंग है तो IME आपको दोबारा रिप्लाई करता है आपके कॉलेज के ऑफिशियल ईमेल ID पे पूछने के लिए, भाई ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको
हमें और देनी है। वैसे तो जो मैंने लिस्ट आपको दे के रखी है, अगर वो सारी जानकारी आपके लेटर हेड में है तो ऐसा कोई रिप्लाई आपको आएगा नहीं, बिकॉज उसके अलावा IMA कुछ नहीं मांगता। बट अगर आपको आता है तो दोबारा से लेटर हेड के अंदर वो एडिशनल डिटेल्स आपको डालनी होती हैं, दोबारा से सील और साइन करके उसको स्कैन करना होता है और IMA को रिप्लाई करना होता है। अब IMA की कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ईमेल को बहुत सीरियसली आपको लेना होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है स्कॉलरशिप के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए वो लोग बंद कर दें, वो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो तकरीबन एक महीने के बाद IMA से आपको भी मेल आएगा और आपके कॉलेज को भी मेल आएगा, जिसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया गया है और आपको अब स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब जब आप अपने IMA के अंदर दोबारा से लॉगिन करेंगे और किसी भी चीज़ की फ़ीस पे करने लगेंगे तो वहाँ पर फीस आएगी ज़ीरो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप एक्टिवेट हो चुकी है। और कुछ ही टाइम में आपको इस चीज़ के लिए भी मेल आएगा कि आपका ग्लैम का जो टेस्ट पोर्टल है उसका यूज़र ID पासवर्ड क्या है। बट याद रखें, उसका एक्सेस आपको रहेगा केवल एक साल के लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल सर की आपकी या प्रिंसिपल मैडम की कोऑपरेशन की बेहद ज़रूरत है। अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो साइन करने से मना कर दें, ईमेल करने से मना कर दें, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। उनकी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई उन लोगों को हम कैसे कन्विंस करें, तो आओ ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हो और वो नहीं मानते हैं तो क्या करना है। देखिए, ये जेन्युइन बात है, कुछ प्रिंसिपल्स कॉलेज के ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं कि ये कहाँ हमसे ऑफिशियल साइन और सील करवा करके लेटर भेज रहे हैं। वो घबरा जाते हैं और उसके चलते वो मना कर देते हैं या कोई भी बहाना करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं हम लेटर नहीं भेजेंगे। देखिए, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, तो बड़े आराम से आप उनको प्यार से समझाएं कि सर ऐसा है, स्कॉलरशिप आपको नहीं देनी है, आपको सिर्फ IMA को इन्फॉर्म करना है कि मैं आप ही के कॉलेज का स्टूडेंट हूं और रेगुलरली यहां पर पढ़ाई करता हूं। अगर आपके प्रिंसिपल सर या मैडम फिर भी मना करते हैं कि नहीं नहीं हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप उस कॉलेज को नमस्ते कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और दूसरे कॉलेज के अंदर अपने सेकेंड ईयर से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्हें ये कन्वे कर दें और दूसरे कॉलेज में चले जाएं। दूसरे कॉलेज में जाने से पहले प्रिंसिपल सर से पहले ही बात कर लो कि सर आपके कॉलेज में आई इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें IMA की स्कॉलरशिप चाहिए, आप कोऑपरेट करेंगे तो ही हम एडमिशन लेंगे। तो भाई इस तरह से अगर आपके प्रिंसिपल सर या मैडम नहीं मानते तो भैया आप कॉलेज चेंज कर लो, 1 लाख रुपये की बचत का सवाल है तो कॉलेज चेंज करना बनता है। अब देखें, पिछली बार भी जब मैंने स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई थी उसको 2 साल शायद से हो चुके हैं और ये 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आई एम श्योर कम से कम 100 बच्चे जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, जिसमें से तकरीबन 40-45 हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो तकरीबन मैं 1 करोड़ तो लोगों का बचा चुका हूँ। एंड रिमाइंड दोबारा से कर रहा हूँ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसके अंदर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसका आप इस्तेमाल करेंगे, स्कॉलरशिप के चांसेस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, प्रोवाइडेड कि सीट्स अभी भी रिमेनिंग हैं। टाइमली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हैं तो प्लीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सबरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।